तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज है 5 दिसंबर और तभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8:14। फिलहाल यहाँ पे निशु रेडी हो चुका है। क्या बनाया आज मम्मी ने? आज मेथी बनाई है। अरे वाह यार। सो गाइज, आज देखो हमारे घर में मेथी बनी है और ये रहा पुलाव कल रात का। क्यों खा ले ना, दूध के साथ खा ले। क्या हो गया? तो गाइस, फिलहाल मैंने यहाँ पे नहा लिया है। तो निशु स्कूल के लिए निकल गया पापा के साथ में, तो कुछ काम से मुझे हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। तो फटाफट से खाना खाते और चलते हैं। बाय बाय, आता हूँ मैं थोड़ी सी डॉक्टर के पास से आता हूँ, ठीक है? चलो अंदर जाओ। है हाँ? तो चलो गाइस, आज चलते हैं अपन इस वाली गाड़ी से, इलेक्ट्रिक वाली तो पापा ले गए ना, तो इस वाली चलते हैं। सबसे पहले इसका ट्रिप मीटर जीरो कर लेते हैं। तो गाइस, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और पानी की बोतल मैंने साथ में ले ली। चलो चलते हैं। गाइस, गाड़ी मैंने बहुत ज़्यादा पीछे खड़ी कर दी यार। यहाँ पे देखो कितनी सारी खाली जगह है, यहाँ पे करना चाहिए थी पार्किंग। कितनी सारी जगह खाली पड़ी है यहाँ पे। अब मेरे को इतने दूर आगे पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पे पर्चा रेडी है और मैंने पेमेंट भी कर दी है अभी। तो चलो फिलहाल डॉक्टर को दिखाते हैं यहाँ पे। तो अभी डॉक्टर ने एक्सरे लिखा है गाइस, एक्सरे करवा के आते हैं। चलो सो गाइस, एक्सरे डिपार्टमेंट से आ चुके हैं। तो गाइस, ये रहा एक्सरे। अब चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं एक्सरे रिपोर्ट। तो फिलहाल गाइस, डॉक्टर को दिखा दिया है, उनसे कंसल्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एक्सरे रिपोर्ट दिखाता हूँ मेरी। तो गाइस, ये रहा मेरा एक्सरे रिपोर्ट। तो चलो इसको रख लेते हैं कवर के अंदर। कल 2 बजे का अपॉइंटमेंट लाया डॉक्टर का, तो अभी फिलहाल चलते हैं और कल आएंगे 2 बजे डॉक्टर के पास में। घर से जब निकले थे ना गाइस, तब अपने घर से जब निकले थे तो मैंने मीटर रीडिंग जीरो कर दी थी यहाँ पे। तो देखो, घर से हॉस्पिटल जो है 2.5 किलोमीटर दूरी पे है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। कहाँ से हो रहे हो भाई? गुड्डे के ऊपर? घर पे क्यों नहीं सोते आप? गुड्डे पे सोना अच्छा लगता है। घर पे क्यों नहीं सोते हो? घर पे क्यों नहीं सोते हो पहले बताओ? गुड्डे पे क्यों सोते हो? अच्छा लगता है गुड्डे पे सोना आपको? चलो आ जाओ इधर। सो गाइस, निशु आ चुका है स्कूल से। तो गाइस, उसको देखो बेचारे को बंद कर दिया किचन के बाहर, उसको जाने नहीं दे रहे अंदर। क्या हो गया? बाहर बंद कर दिया निशु दादा ने? क्या कहते हैं इसको, भेल भाई की तरफ से। अभी खाना खाया ना, पेट नहीं भरा क्या तेरा? नहीं ना, क्या कर रहा हूं। तो गाइस, अभी खाना खाया इसने और कह रहा अभी भेल बना दो। देखो शाम को बनाना यार, शाम को। जल्दी बंद करना, बंद करना, बंद करना। जम करो, जम जम करो, जम। चलो अब खा लो, आ जाओ। कैसे खा रहा है? फुर्ती से। बस भाई, इतना भी तेज नहीं खाना है, कोई नहीं कुचुरा रहा तेरा खाना। कितनी तेजी से खा रहा है खाना। चल ले, ये ले जा भाई। गिर गया यहाँ पे बिस्तर पे, चींटी हो जाएगी। नहीं तो और कुछ तो नहीं गिरा ना? तू नहीं गिराया था भाई? मैंने तो नहीं गिराया। आज की बिल मैंने बनाई थी ना, तो बहुत सही बनी थी। कोचिंग से आ जा, फिर अपन चलेंगे बुक लेने, ठीक है? ओके। सो गाइस, आज हो गया नेक्स्ट डे। तो अभी फिलहाल आज है गाइस 6 दिसंबर और अभी फिलहाल 4:50 हो रहे हैं, लगभग गाइस 5 बजने वाले हैं। गाइस, कल रात में मैंने ब्लॉग नहीं किया और ना आज सुबह किया, क्योंकि ना मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था ना, तो वही एंग्जाइटी थी थोड़ी सी, है ना, तो डर रहता है ना डेंटिस्ट के पास जाने का। सो गाइस, अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिला है 13 तारीख का, तो 13 तारीख को जाना है, सुबह मॉर्निंग में जाना है 9:30 बजे। नेक्स्ट वीक में जाना है डेंटिस्ट के पास में। तो गाइस, अभी चलते हैं गेहूँ पिसवाने के लिए, क्योंकि हमारे आटा खत्म हो गया है, तो गेहूँ पिसवाने चलते हैं। तो गाइस, फिलहाल निशु भी स्कूल से आ चुका है, तो चलो अभी चलते हैं उसकी बुक लेने। ले जाओ, डिग्गी में आएगा, आ जा। बाय बाय, बाय। अभी हमने गेहूँ डाल दिए, अब हम जा रहे हैं स्टेशनरी बुक लेने के लिए। मेरी ओपन है वाला? दिख तो नहीं रहा भाई, वो थोड़ा सा अंदर साइड रहता है। तो गाइस, ये रही सामने स्नेहा बुक सेंटर, ये रही मतलब स्टेशनरी। यहाँ पे हमें पूरा अभी घूम के जाना पड़ेगा। वो वहाँ आगे से कट है ना, ये जो धूल उड़ाते हुए जा रहे वो आगे से कट है ना? नहीं, यहाँ से नहीं, आगे से। फाइनली पहुंच गए हमारी जैसी गाड़ी। चलो गाइस, फाइनली बुक ले ली यहाँ पे निशु की। पैसे हम 1000 रुपए लाए थे, तो 1000 में जितनी आ रही उतनी ले ली।
बाकी अभी दो तीन बुक बची है तो वो भी मम्मी से पैसे लेके फिर ले जाएंगे। सो गाइस फिलहाल रुके थे जलजीरा का पैकेट लेने। भैया उधर साइड से आना है। कहाँ फंस गया रे? सोफे के नीचे गया ही क्यों था तू? जा अभी निकालता हूँ, रुक उठाता हूँ सोफे को। चला आ जा, आ जल्दी निकल बाहर। कहाँ घुस गया था पता नहीं सोफे के नीचे? इधर से गया पता नहीं। क्यों गया था सोफे के नीचे तू? सोफे के नीचे क्यों गया था? वापिस जाएगा क्या? चल इधर आ, डाली वो नहीं खा रहा, चल बाहर आ। ये सोफे के नीचे फंसा हुआ था वहां पे। हाँ कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा वहाँ है नहीं। ये कौन है आपको पता है मम्मी कौन है? कौन है ये? नीचे यहाँ पे फंस गया था। कब? अभी हम लोग खाना खा रहे थे, मैं इनका उधर होगा बात देखते थे, इसके नीचे फंसा था। कैसे निकाले फिर? सो गाइस फिलहाल एडिटिंग वगैरह पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा बना, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नया आया तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं किसी और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।